सो हे गेमर्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अनलिमिटेड गोल्ड कॉइन ट्रिक के बारे में। गाइस, अगर आप लोग भी अपने फ्री फायर के अंदर बहुत सारे गोल्ड लेना चाहते हो तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 5 से 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे गाइस आप लोगों को काफी सारे गोल्ड मिलने वाले। और गाइस इसी ट्रिक को यूज करके मैंने भी बहुत सारे गोल्ड लिए। अभी आप लोग ऊपर में देख पा रहे हो 2 लाख से भी ज्यादा गोल्ड मेरे पास पड़े हुए, 2,24,000। ठीक है, तो इतने सारे गोल्ड आप लोगों को भी मिल सकते हैं, लेकिन कैसे एक दिन का आप लोग कम से कम भी तो 10,000 गोल्ड ले पाओगे, तो कैसे आप लोग को ज्यादा ज्यादा गोल्ड कलेक्ट करना है सारा कुछ मैं आप लोगों को वीडियो के आगे फुल डिटेल्स के साथ बताऊंगा। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहना, क्योंकि आप लोगों को बताइए होगा हमारे गेम के अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट आते हैं जहां पर हमें गोल्ड से स्पिन करना पड़ता है, जैसे कि इसके अंदर हमें गोल्ड से स्पिन करना है। और गाइस, अगर आपके पास गोल्ड नहीं रहेगा तो भाई आप लोगों को गन का स्किन नहीं मिलेगा। ठीक है, और भी काफी सारे ऐसे इवेंट हमारे गेम के अंदर आते हैं जहां पर हमें गोल्ड से स्पिन करना होता है। और गाइस, उस सिचुएशन में अगर आपके पास गोल्ड नहीं रहेगा तो भाई आपका ना बहुत गंदा वाला कटने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं आप लोग भी बहुत सारे गोल्ड पहले से ही जमा करके रखो, क्योंकि यार हमारे गेम के अंदर 6th एनिवर्सरी को बहुत सारे ऐसे इवेंट आएंगे जहां पर आप लोगों को भर भर के गोल्ड देना पड़ेंगे। और गाइस, गोल्ड के बदले आप लोगों को अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, तो आप लोग पहले से ही गोल्ड को जमा करके रख लो। तो गोल्ड हमें कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा और अनलिमिटेड कैसे ले सकते हैं सारा कुछ मैं आप लोगों को वीडियो के आगे बताऊंगा। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप सुबह सुबह से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हो तो फटाक से यार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट याद से कर देना, ताकि यार फ्री फायर गेम के अंदर आने वाला कोई भी इवेंट या फिर अपडेट आपका मिस ना हो पाए, तो सब्सक्राइब याद से कर लेना। समझ गया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 1 के बारे में, जहां से आप लोग काफी सारे गोल्ड मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग आना है मोड वाले सेक्शन के अंदर, और गाइस साइड में आप लोगों को नीचे में क्राफ्ट लाइन देखने को मिल जाएगा। और गाइस इसके अंदर आने के बाद आप लोगों को आना है ईएक्सपी के अंदर। ठीक है, ईएक्सपी के अंदर जैसे आप लोग आओगे गाइस, यहां पर आप लोगों को बहुत सारे गोल्ड मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर आप लोग यहां पर ईएक्सपी इंक्रीज करते हो, एक दिन का आप लोगों को 500 ईएक्सपी मिलेगा। ठीक है, और गाइस जैसे जैसे आप लोग ईएक्सपी कंप्लीट करोगे ना, यहां से आप लोगों को बहुत सारे गोल्ड मिलने वाले। मैंने ऑलरेडी काफी सारे गोल्ड क्लेम कर रखा है, जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हो 2,000-1,000 करके मैंने ऑलरेडी काफी सारे गोल्ड क्लेम कर लिया है। बाकी गाइस इसके बाद ना मुझे 4,000, उसके बाद 6,000 करके ऐसे करके गोल्ड मिलने वाला है, 8,000, उसके बाद गाइस 10,000 गोल्ड मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां से आप लोग बहुत ही इजीली तरीके से काफी सारे गोल्ड कलेक्ट कर सकते हो। बस गाइस आप लोगों को ईएक्सपी कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ईएक्सपी कंप्लीट करने के लिए गाइस आप लोगों को ज्यादा ज्यादा गेम्स खेलना है, मतलब क्राफ्ट लैंड का कोई भी आप लोग गेम खेल सकते हो। यहां पर आप लोगों को बहुत सारे गेम्स देखने को मिल जाते हैं, तो कोई भी गेम खेलोगे आप लोगों को ईएक्सपी मिलेगा, और गाइस ईएक्सपी बढ़ने पे आप लोगों को गोल्ड मिलेगा। ठीक है, तो बस आप लोग आकर ईएक्सपी बढ़ाना है और गाइस आप लोग गोल्ड कलेक्ट कर लेना है। एनीवेज, अब हम बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक के ऊपर। तो गाइस जो हमारा दूसरा ट्रिक है वो काफी ज्यादा कमाल का है और आज ही हमारे गेम के अंदर ऐड किया गया है। आप लोगों को आना है सिंपली से इवेंट वाले सेक्शन के अंदर, और गाइस यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेट वॉस। और गाइस आप लोगों को नीचे में देखने को मिल जाता है एक नया इवेंट मिशन, जहां पर गाइस आप लोगों को पूरे 8 मैच कंप्लीट करने के बाद 200 और 300 करके गोल्ड मिलने वाले हैं। मतलब टोटली यहां से आप लोगों को 800 गोल्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हैं यार 800 गोल्ड में क्या होगा, लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बता दूं यहां डेली का 800 गोल्ड मिलने वाले हैं। मतलब आज तो 800 गोल्ड मिलेगा ही, साथ ही साथ कल भी आप लोगों को 800 गोल्ड मिलेगा, और इस तरीके से आप लोग काफी दिन तक मिलने वाले हैं। तो बस आप लोग करना कुछ नहीं, 8 मैच किसी भी मोड के अंदर खेल लेना है, लोन बॉल खेलो, सीएस खेलो या फिर वीआर खेलो। ठीक है, किसी भी मोड के अंदर बस आप लोगों को 8 मैच खेलना है, और भाई यहां से आप लोगों को पूरे 800 गोल्ड कलेक्ट कर लेना, जैसे अभी मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो बस ऐसा करके आप लोगों को गोल्ड को कलेक्ट करना है। और गाइस ये जो मिशन है ना वो डेली का रिफ्रेश होगा सुबह के 4 बजे, मतलब कि अगर आप लोग आज मिशन कंप्लीट करते हो तो कल सुबह के 4 बजे फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, और कल फिर से आप लोग इस मिशन को कंप्लीट करके 800 गोल्ड कलेक्ट कर पाओगे। और ये जो इवेंट मिशन है ना वो हमारे गेम के अंदर 29 जून तक चलने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट काफी दिन तक आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है, जैसे कि 4 दिन और 9 दिन, मतलब कि ऑलमोस्ट 13 दिनों का आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है। और गाइस 13 दिन में आप लोगों को बहुत सारे गोल्ड मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस गाइस यहां पर आप लोग गेम प्ले करना है और बहुत सारे आप लोग गोल्ड कलेक्ट कर लेना है। एनीवेज, अब हम बढ़ते हैं तीसरे ट्रिक के ऊपर, जो कि यार काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन उसके लिए गाइस आप लोग को सबसे पहले लेवल 4 के गिल्ड के अंदर ऐड होना होगा। ठीक है, किसी का भी लेवल 4 का गिल्ड के अंदर आप लोग ऐड हो सकते हो, लेकिन हाँ उसी के गिल्ड में ऐड होना जिसके यार मेंबर्स एक्टिव हो, ऐसा नहीं कि भाई उनके मेंबर्स ऑफलाइन हो, खेलते नहीं हो तो यार कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को एक्टिव गिल्ड के अंदर ऐड होना है जिसका लेवल 4 रहेगा। और गाइस उसके बाद यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा गिल्ड गुडीज। ठीक है, तो आप लोग को सिंपली से इस पे क्लिक करना है, और गाइस यहां पर आप लोग को गिल्ड गुडीज दिया जाता है। एक दिन का आप लोग को बहुत सारे बॉक्सेस मिल जाएंगे, बॉक्सेस ओपन करने के बाद आप लोग को बहुत सारे अच्छे खासे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। जैसे गाइस अभी आप लोग देख पा रहे हो एक दिन का यहां पर आप लोग को 5,000 करके गोल्ड मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये टीम वर्क चेस्ट से होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया लेवल 4 का गिल्ड रहेगा और गाइस सारे बंदे मिलकर खेलेंगे तो भाई आप लोग को यहां पर 5,000 करके गोल्ड मिलेगा, जो कि यार बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि भी आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने यहां पर एक बार वीकली मेंबरशिप लिया था, सॉरी 2 बार वीकली मेंबरशिप लिया था, तो मुझे ये वाला बॉक्स मिला है। तो गाइस अगर आप लोग भी अपने गिल्ड के अंदर ऐड रहोगे और गाइस आपके गिल्ड का कोई भी मेंबर मंथली या फिर वीकली का मेंबरशिप लेता है, तो भाई आप लोग को भी ऐसे ही बॉक्स मिलेगा जिसको ओपन करने के बाद आप लोग को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। क्या मिलेगा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। गाइस मुझे यहाँ पर 2 बॉक्स मिला है, और गाइस ये जो बॉक्स है वो मेरे गिल्ड के सारे प्लेयर्स को मिल चुका है। भले ही मैंने यहाँ पर वीकली मेंबरशिप लिया है, लेकिन मेरे गिल्ड के सारे प्लेयर्स को मिल चुका है। ठीक है, और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर हीरोइक पे भी जाओगे ना, तब भी आप
लोग को भी ऐसे ही बॉक्स मिलेगा, मतलब फर्स्ट टाइम पे किसी भी सीजन में हीरोइक पे जाओगे तो आप लोग को ऐसा बॉक्स मिलेगा गिल्ड गुडीज के अंदर, ठीक है। तो आप लोग को सिंपली से इसको क्लेम कर लेना है, तो मैंने इसको सिंपली से क्लेम कर लिया। क्लेम करने के बाद मुझे पेटफूड मिला है, ठीक है, इस बॉक्स में से मुझे पेटफूड मिला है। लेकिन गाइज यहाँ पर जो टीम वर्क चेस्ट है ना, इसको भी आप लोग क्लेम करना है, और टीम वर्क चेस्ट को क्लेम करने के बाद यहाँ पर अभी आप लोग देख पा रहे मुझे 5000 गोल्ड मिला है, ठीक है, मतलब एक बार में ये डायरेक्टली 5000 गोल्ड मिल गया। तो भाई आप लोग खुद से सोचो, अगर आप लोग लेवल 4 की गिल्ड में रहोगे तो आप लोग को पर डे का आप लोग को 5000 करके गोल्ड मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को भी यहाँ पर टीम वर्क चेस्ट के अंदर लेवल 4 के अंदर 5000 करके गोल्ड मिलेगा। अगर आपका लेवल 2 का है फिर लेवल 3 का है तब भी आप लोग को 3000-4000 करके गोल्ड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बहुत सारे गोल्ड कलेक्ट कर सकते हो, बस हाँ आप लोग को अच्छे गिल्ड के अंदर ऐड हो जाना है, किसी का भी गिल्ड हो बस आप लोग को अच्छे गिल्ड के अंदर ऐड हो जाना है। एंड गाइस उनके मेंबर्स जो है वो एक्टिव होने चाहिए, तभी आप लोग को गिल्ड गुडीज के अंदर से अच्छे अच्छे मतलब रिवॉर्ड्स मिलेंगे, मतलब गोल्ड वगैरह ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एनीवेज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर, जो कि यार काफी ज्यादा कमाल का है, जिससे आप लोग को बहुत सारे गोल्ड मिलने वाले हैं। और गाइस मुझे लगता है ये जो ट्रिक है वो काफी कम बंदों को पता होगा। तो आप लोग को आना है सिंपली से कैरेक्टर वाले सेक्शन के अंदर, और गाइस आप लोग को चूज करना है कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर को चूज करना है जिसका यार अवेकिन आप लोगों ने किया हो या फिर रिसेंटली हमारे गेम के अंदर अवेकिन हुआ हो, ठीक है। तो आप लोग को बताओगा हमारे गेम के अंदर अलवारो का अवेकिन इवेंट आया था, जहां पर हमें अवेकिन करना था मिशन कंप्लीट करने के बाद। तो जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हो, अगर आप लोग अलवारो कैरेक्टर को लेकर खेलोगे तो यहाँ पर आप लोग को मिशन दिया जाता है, जैसे कि आप लोग को दो बंदों को एलिमिनेट करना है, मारना है, डैमेज देना है, तो ऐसे करके आप लोग को मिशन देखने को मिलता है। और ये जो मिशन है डेली का रिफ्रेश भी होता रहता है, ठीक है। तो बस आप लोग को यहाँ पर मिशन कंप्लीट करना है, और गाइस मिशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ से आप लोग को 200 करके गोल्ड मिलेगा, और यहाँ से आप लोग अनलिमिटेड गोल्ड ले सकते हो, मतलब जितना बार मिशन कंप्लीट करोगे उतने बार यहाँ से आप लोग को गोल्ड मिलने वाला है, ठीक है। तो बस यहाँ पर आप लोग को अलवारो कैरेक्टर को लेना है, और गाइस अलवारो कैरेक्टर के साथ ही गाइस ये सारे मिशन को आप लोग कंप्लीट करना है, और गाइस यहाँ से आप लोग को बहुत सारे गोल्ड मिल जाएंगे, जो कि यार आप लोग को इजीली कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एनीवेज अब मैं बढ़ते हैं अगले ट्रिक के ऊपर, तो बेसिकली यहाँ से ना आप लोग को बहुत सारे गोल्ड मिलेंगे, और गाइस इसके लिए ना कोई भी आप लोग को मिशन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली ये कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग को वॉल्ट के सेक्शन के अंदर आना है। और गाइस यहाँ पर आप लोग अदर्स वाले सेक्शन के अंदर देखना, काफी सारे बंदों के अकाउंट के अंदर ना बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए रहते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ मेरे अकाउंट के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तो गाइस यहाँ से भी आप लोग गोल्ड मिल सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ मेरे ना अकाउंट के अंदर काफी सारे बॉक्सेस है। ये किसका बॉक्स है वो तो पता नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि भाई कौन सा बॉक्स कौन सी चीजों के लिए है, ठीक है, वो मुझे खुद देखना पड़ेगा भाई कौन से बॉक्स कैसा है। तो गाइस ये सारा कुछ तो पेट फूड का भरा हुआ है, वैसे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ गोल्ड वाला बॉक्स भी मेरे पास काफी सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखो ये वाला है, देखो यहाँ से मुझे 50-50 करके गोल्ड मिलेगा, तो इसको यहाँ पर हम लोग ओपन करते हैं, भाई पेट फूड मिल गया यार। जैसे कि देखो ये वाला बॉक्स है जिसमें मुझे 300 गोल्ड दिया जा रहा है, तो आप लोग भी ऐसे आकर चेक करना, बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस रहते हैं जिसमें ना हमें गोल्ड दिया जाता है। वैसे मैंने बहुत सारे बॉक्सेस पहले से ही ओपन कर लिया, 50-60 बॉक्स मैंने पहले ही ओपन कर लिया जिसमें मुझे काफी सारे गोल्ड्स ऑलरेडी मिल चुका है, इसलिए मैं आप लोग अभी नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन फिलहाल मेरे पास अभी 4 पड़े हुए हैं, तो चलो चारों को ओपन कर लेते हैं, देखते भाई कितना गोल्ड मिलता है। गाइस अभी आप लोग देख पा रहे हो कि मुझे 3 पेट फूड और 300 गोल्ड मिल चुका है, चलो कोई बात नहीं। खैर यहां से तो आप लोग कुछ गोल्ड मिलेंगे, लेकिन अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं एक ऐसा ट्रिक जिससे गाइस आप लोग बहुत सारे गोल्ड कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मुझे ना 234 दिनों के लिए ये वाला 50% गोल्ड कार्ड दिया गया है। अगर आप लोग को नहीं पता है कि भाई इस गोल्ड कार्ड का क्या यूज है, तो मैं आप लोग को बता दूं, इससे आप लोग को 50% एक्स्ट्रा गोल्ड दिया जाता है। जैसे कि अगर आप लोग एक बार बीआर मैच खेलोगे ना और बैक करोगे तो आप लोग को 1000 गोल्ड मिलता था पहले से, लेकिन अब आप लोग को 1500 गोल्ड मिलेगा इसको अगर आप लोग यूज करके खेलोगे तो भाई ये ना बहुत ही ज्यादा कमाल का कार्ड है। और गाइस ये जो कार्ड है वो आप लोग को मिलता है स्टोर के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो आप लोग को आना है स्टोर के अंदर, और यहाँ पर आप लोग को आना है बडी मार्ट के अंदर। बडी मार्ट के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएगा फाइनली 50% गोल्ड कार्ड, जो कि आप लोग को सिर्फ 2 बडी मार्ट कॉइन से मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग आकर इसको इजीली एक्सचेंज करना है, इसको एक्सचेंज करने के बाद अगर आप लोग खेलोगे ना तो भाई आप लोग को 50% गोल्ड एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसको आप लोग जरूर से यूज करके खेलना, ठीक है, तभी गाइस आप लोग को बहुत सारे गोल्ड मिल पाएंगे। और भाई अभी आप लोग ऊपर में देख पा रहे हो कि मेरे पास 224000 थे, लेकिन अभी मेरे पास 230000 हो चुके हैं, ठीक है, मतलब वीडियो बनाते बनाते ही 6000 मेरे कॉइन बढ़ चुके हैं। तो आप लोग भी इन सभी ट्रिक्स को यूज करके बहुत सारे गोल्ड कॉइन जमा कर सकते हो। और गाइस जो मैंने आप लोग को लास्ट में कार्ड वाला बताया ना, उस कार्ड को यूज करके आप लोग बीआर रैंकेड खेलना, ठीक है। अगर आप लोग बीआर रैंकेड खेलोगे ना तो आप लोग को बहुत सारे गोल्ड मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग सीएस खेलोगे कार्ड यूज करके तो कम मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग बीआर रैंकेड खेलोगे ना तो आप लोग को बहुत सारे गोल्ड मिलेंगे, और आप लोग भी कम से कम टाइम के अंदर बहुत सारे गोल्ड कलेक्ट कर पाओगे। जैसे कि यार मैं कलेक्ट करता हूं, भाई मेरे पास ना पूरे 5 लाख गोल्ड थे, जो कि यार मैंने लक रॉयल के अंदर ऑलरेडी यहां पर यूज कर लिया है, ठीक है। मतलब आप लोग को बताओगे हमारे लक रॉयल के अंदर यहां पर ये वाला गन स्किन है जिसमें मैंने काफी सारे गोल्ड यूज कर दिए, साथ ही साथ गोल्ड रॉयल भी आया था, तो उस टाइम पे भी मैंने गोल्ड बर्बाद किए थे, ठीक है। वैसे गाइस मेरे पास गोल्ड आते जाते रहते हैं, लेकिन गाइस अगर आपके पास गोल्ड नहीं है तो आप लोग इन सभी ट्रिक को यूज करके काफी सारे गोल्ड ले सकते हो। तो आप लोग को इनमें से कौन सा ट्रिक सबसे ज्यादा बेस्ट लगा वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर जरूर से बताना। तो यही था आज के इस वीडियो के अंदर, होपफुली आप लोग को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कोई भी गोल्ड से रिलेटेड कोई भी
डाउट है कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। तो बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।